So, hello students. Today we are going to start the looping or the iteration in Python. Looping. Loop किसे कहते हैं? Sir, loop is the occurrence of multiple things that we go on and go on and go on. That means we are writing a code in such a way that a certain set of instructions go on repeating itself until a condition is met. और until the end point is met. So, loop क्या होता है? अगर मान लो हमको कोई एक काम बार बार करना पड़े, repeatedly एक ही काम को करना पड़े, तो उसको हम बार बार उसका input या बार बार उसका output ऐसा कोई statement ना लिख के, वो पूरे के पूरे statement को loop के अंदर लिख देते हैं. So that कि वो बार बार वो चीज occur कर सके या बार बार वो run कर सके. लूप बेसिकली बहुत तरह के होते हैं. एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप एक ऐसा तरह का लूप है जब लूप में घुसने के पहले कंडीशन चेक करते हैं, इफ द कंडीशन इज करेक्ट तब वो आगे बढ़ेगा. एग्जिट कंट्रोल लूप एक ऐसा लूप है जो कि एक बार लूप में घुसने के बाद एट द एंड वो कंडीशन चेक करेगा कि वेदर हमको दोबारा रिपीट करना है या नहीं. पाइथन supports only entry controlled loop. That is, Python हमेशा condition पहले check करेगा, loop को बाद में run करेगा. ऐसा नहीं कि पहले loop run कर लिए बाद में condition check करने जाते हैं. वो हमेशा condition को पहले check करेगा, loop बाद में run करेगा. Python में loop दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? Two types. पहला होता है for loop, दूसरा होता है while loop. These are two kinds of loop that we use in Python. For लिखने का क्या तरीका है? For the syntax of for, we write for a variable. कोई एक variable लिखना पड़ता है. In range start comma end plus minus one comma increment. ब्रैकेट क्लोज्ड, देन वी गिव अ कोलन, और फिर यहां इंडेंटेशन में जो पार्ट लिखना है वो पार्ट हम लिखते हैं लाइक दिस. दिस इज द इंडेंट ऑफ फॉर लूप. ऐसे फॉर लूप लिखा जाता है. फॉर एक वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट एंड प्लस माइनस वन इंक्रीमेंट. सर प्लस माइनस वन क्यों लिखे? अगर मेरा लूप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एंड प्लस वन, और अगर मेरा लूप कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एंड माइनस वन. हाँ, जैसे कि अगर मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में हमको 1 से 50 सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं. सो व्हाट आई विल राइट लाइक दिस. फॉर एक्स एक वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल इन रेंज 1, 51, 1, और यहां इस इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे प्रिंट एक्स. ओके, 1 से शुरू है स्टार्ट, एंड कहां पे होगा? जितना लिखा है उससे एक कम, हमको 50 पे खत्म करना है इसलिए हमने 51 लिखा, और 1 मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट करना. ठीक है. दूसरा, अगर हमको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमको 100, 98, 96 इस तरह रिवर्स में प्रिंट करना है, 0 तक उल्टा प्रिंट करना है, दो दो करके घट के, तो क्या लिखेंगे? फॉर एक्स इन रेंज 100, -1, -2, और यहां पे लिखेंगे इंडेंट के अंदर प्रिंट एक्स. ठीक है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट आई विल स्टार्ट विद 100 क्योंकि स्टार्ट करना है, और यहां पे लिखना है एंड प्लस माइनस वन. ये मेरा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है मतलब हमको 0 तक जाना है, तो 0 के एक स्टेप कम लेंगे मतलब माइनस वन. 0 - 1 कितना होता है? -1, और यहां दो दो का गैप है इसलिए -2, 2 कम हो रहा है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ टू राइट अ लूप यूजिंग फॉर. नाउ हाउ टू राइट अ लूप यूजिंग व्हाइल. ठीक है, व्हाइल लिखने का नियम है व्हाइल ब्रैकेट ए कंडीशन. ओके,
एंड देन वी विल राइट हियर एंड जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप, जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप वी विल राइट हियर द इंक्रीमेंट. ओके, व्हाइल कंडीशन, तो सर स्टार्ट कहां लिखेंगे, कंडीशन और एंड, कंडीशन और एंड. जैसे यहां पे क्या स्टार्ट एंड इंक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन में लिख देते हैं. यहां कंडीशन लिखेंगे एक लाइन में, इंक्रीमेंट लिखेंगे यहां, और स्टार्ट लिखेंगे व्हाइल के ऊपर कि यहां से स्टार्ट करना. यहां पे स्टार्ट, यहां पे एंड, यहां पे इंक्रीमेंट, अलग अलग लाइन में लिखता है. यही है अंतर बिटवीन फॉर एंड व्हाइल. तो आप अगर यही दो प्रोग्राम को अगर हमको व्हाइल से करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला व्हाइल से कैसे, देखो यहां हमको कहां से शुरू करना है, यह हमको एक्स को शुरू करना है वन से. तो यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन, यहां हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू वन. फिर कहां तक जाना है, 51 तक. हम यहां लिखेंगे व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 50. यहां पे प्लस वन वर्स का कोई जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्टली जहां तक जाना है वहां तक लिख देंगे. ओके, इंडेंट क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट एक्स. जैसे यहां पे प्रिंट एक्स लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया. ये ऑटोमेटिक यहां से यहां ये रिपीट कर जाएगा, ये नहीं होगा. हमको रिपीट करने के पहले उसमें इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा. तो इंक्रीमेंट क्या है, एक्स का वैल्यू एक एक स्टेप बढ़ रहा है. मीन्स आई हैव टू राइट हियर एक्स प्लस इक्वल्स टू वन. इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब ये एक एक करके बढ़ रहा है. इट विल गो ऑन. सो दिस इज हाउ माई वाइल लूप हैज टू बी रिटन, और दिस इज हाउ फॉर लूप इज टू बी रिटन. अब बोलोगे सर फॉर लूप तो ज्यादा आसान है, तो क्यों वाइल लूप के चक्कर में डाल रहे हैं सर, बिकॉज कहीं कहीं ऐसा तुमको यूज पड़ेगा. अभी हम बहुत सारा प्रोग्राम बताने वाले हैं, लगभग 20-25 प्रोग्राम बताने वाले हैं इस फॉर और वाइल से. उससे तुमको पता चलेगा कि हर जगह फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं कहीं ऐसा है वी हैव फोर्स्ड टू यूज द वाइल लूप, तब ये वाइल का जरूरत पड़ सकता है. नेक्स्ट क्या बोल दिए, अब यहां देख लो, यहां पे यही प्रोग्राम अगर हम वाइल से करें तो क्या होगा, यहां कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां 100 से शुरू कर रहे हैं. तो यहां लिखेंगे x is equals to 100. फिर कहां तक जाना है सर, जीरो तक जाना है. तो लिखेंगे वाइल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ग्रेटर क्यों, क्योंकि ये कमते हुए आ रहा है, उल्टा चल रहा है. यहां x लेस देन इक्वल्स टू 50, यहां x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. फिर उसका इंडेंट शुरू हो गया. क्या करना है सर, प्रिंट एक्स. अब क्या कर रहा है सर, हमको उसका इंक्रीमेंट देना है. इंक्रीमेंट क्या हो रहा है सर, दो दो स्टेप घट रहा है. तो आई विल राइट हियर एक्स माइनस इक्वल्स टू 2. ठीक है, सेम प्रोग्राम को हम एक बार वाइल से लिख रहे हैं, एक बार फॉर से, एक बार वाइल से, एक बार फॉर से. सो दिस इज हाउ बेसिकली आवर लूप वर्क्स इन पाइथन. अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करने वाले हैं. कुछ प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वो फिर से हम शुरू कर रहे हैं, और कुछ प्रोग्राम हम लोग के पास नया है जो तुम लोग पहली बार करोगे. सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज प्ले अ वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस चैप्टर. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. सो यहां पे हमने ये 6 प्रोग्राम लिखे हैं लाइन से, जो आपको ये सारे प्रोग्राम्स भेजे थे हम सर को, प्रोग्राम्स का लिस्ट मिल गया होगा. वो सारे प्रोग्राम्स को हम वन बाय वन यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ध्यान से आप देखना शुरू करो. पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन था प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स टिल 100. तो यहां तुमको मालूम है सर इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर शुरू होता है 2 से, खत्म होता है 100 पे. तो यहां पे हमको कुछ इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लूप को शुरू कर सकते हैं फ्रॉम 2 और खत्म करना है 100 पे. तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, वी विल राइट फॉर ई, एक वेरिएबल इवन नंबर के लिए ई लेते हैं, फॉर ई इन रेंज 2, 101. और इवन नंबर का गैप कितना होता है सर, इवन नंबर का गैप होता है 2-2 करके. सो ऐसे 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, देन एट द एंड वी विल पुट अ कोलन. अब यहां पे क्या होगा, इसका टैब यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट ई, द प्रोग्राम इज कंप्लीट. अब इसका ड्राई रन देखो कैसे होगा, ड्राई रन कैसे रन करता है. जैसे यहां ई देखो, ई कहां से शुरू हो रहा है, दिस इज स्टार्ट, ई शुरू हो रहा है 2 से. कहां पे जाकर खत्म होगा सर, 101. हम एक ज्यादा लिखते हैं पर खत्म कहां पे होगा, 100 पे. तो 2, फिर ये खत्म होगा 100 पे.
और कितना करके इंक्रीज करेगा सर? टू, मतलब टू है तो इससे प्लस टू करो फोर, फिर प्लस टू करो सिक्स, फिर प्लस टू करो एट, इस तरह ये बढ़ते जाएंगे एंड इट विल एंड एट 100. सो दिस इज अवर प्रोग्राम, बन गया हमारा प्रोग्राम, बहुत इजी था. वी हैव प्रिंटेड ऑल द इवन नंबर्स टिल 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट ऑल द ऑड, प्रिंट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स टिल 100. सम प्रिंट करने बोल रहा है, तुमको सारे नंबर्स को नहीं प्रिंट करना है. तो यहां क्या करेंगे, इस सब को शुरू करने के पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे सम s इज इक्वल टू जीरो. हम मान लिए फिलहाल मेरा सम अभी जीरो है. अब हम लूप शुरू करेंगे फॉर ऑड के लिए, चलो हम d मान लेते हैं. फॉर d इज इक्वल, फॉर d इन रेंज, फॉर d इन रेंज 1, 101, 2. क्यों सर ये लाइन लिख रहे हैं? क्योंकि ऑड कहां से शुरू होता है? ऑड भी सर शुरू होता है हमारा 1 से. तो ऑड को हम 1 से शुरू किए, कहां तक जाना है 100 तक. तो इसलिए हम एक स्टेप ज्यादा लिखे हैं. और दो ऑड के बीच में कितना का गैप होता है सर? दो दो का. तो इसीलिए हम यहां पे 2 लिखे हैं. अब क्या करेंगे, बाय गिविंग अ गैप हम यहां पे लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस d. बस जैसे ये मेरा लूप खत्म होता है, ये मेरा लूप का पार्ट था. जैसे लूप खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द लूप आई विल राइट प्रिंट द सम इज कॉमा s. हो गया. अब सर यहां पे क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए. यहां पे हो रहा है कि द, यहां पे हमारे दो वेरिएबल है, एक है s और एक है d. यहां पे हम दो लेते हैं, एक s और एक d. S का वैल्यू 0 से इनिशिएटेड है और D कहां से आ रहा है? 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक. अब कितना का इंक्रीमेंट है सर? दो दो का, मतलब 1 के बाद 3 होगा, फिर 2 बढ़ेगा 5 होगा, फिर 2 बढ़ेगा 7 होगा, फिर 2 बढ़ेगा 9 होगा, एंड दिस विल गो ऑन 1, 3, 5, 7, 9, एंड दिस विल गो ऑन लाइक. ठीक है. अब सम क्या कर रहा है? सम इज अ एक्यूमुलेटर वेरिएबल. व्हाट इज एक्यूमुलेटर वेरिएबल? जो अपने में सारा डेटा को स्टोर करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे. ठीक है. तो s क्या है? एक एक्यूमुलेटर है. हमने यहां पे क्या लिखा है? s इज इक्वल टू s प्लस d, मतलब s के साथ d जोड़ो. जब सबसे पहले d का वैल्यू 1 था तो इसके साथ 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1. फिर 3 था तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4. मतलब s में ही तो उसका वैल्यू जुड़ के आ जा रहा है. मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करेंगे. फिर 5, 4 पे खत्म हुआ तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, फिर प्लस 7, 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. मतलब जितना भी नंबर एक एक करके d में आते जाएगा वो s में सब स्टोर होते रहेगा. और ये लूप के अंदर है, मीन्स लूप तो यहीं से यहां तक है, लूप तो इसके बाहर नहीं जा रहा है. सी, लूप तो इसके बाहर नहीं जा रहा है, यहीं से इसके बीच में है. जितनी बार ये d का रेंज घूमेगा उतने बार वैल्यू को s में ऐड होते जाएगा. व्हेन ऑल द वर्क इज कंप्लीट हम लास्ट में प्रिंट करेंगे द सम इज s. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स. अब हमको निकालना है एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन अ रेंज. रेंज मतलब तुमको मालूम नहीं कहां से शुरू है कहां पे खत्म है. तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू, यू हैव टू टेक अ रेंज. कैसे लेंगे? यू हैव टू टेक इनपुट. तो यहां विल टेक m कॉमा n इक्वल्स टू इवैल, इवैल से इनपुट होता है. आई विल राइट हियर इनपुट ब्रैकेट एंटर द स्टार्ट कॉमा एंड. सो आई हैव आस्क्ड फॉर द स्टार्ट कॉमा एंड. So, M में आ जाएगा स्टार्ट, N में आ जाएगा एंड. अब क्या करेंगे, लूप को उसी से घुमाएंगे. सो आई विल राइट हियर फॉर वेरिएबल X इन रेंज M कॉमा N प्लस 1, 1. सर 1 क्यों किए? यहां तो आपको 5 का मल्टीपल था तो प्लस 5 करके आपको बढ़ना चाहिए था. गलत. माना हमारा मल्टीपल 5 का है, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि m भी मल्टीपल ऑफ 5 का होगा? अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है, मान लो m हम 7 दिए, तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12. उसके बीच में एक मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा था 10, जो कि मिस हो गया. तो ऐसे नहीं, हम एक एक करके बढ़ेंगे एंड वी विल चेक कि प्रत्येक नंबर मल्टीपल ऑफ 5 में आता है या नहीं.
मिस्टर लाइन है, प्लीज फॉरगिव मी, हमने यहाँ पे एक लाइन मिस कर दिया. क्या लिखे हैं यहाँ? एस इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो. एस और सी को हमको स्टार्ट करना है. यहां देखो, एस और सी को स्टार्ट करना है. अब यहां एस क्या है और सी क्या है? एस विल स्टोर द सम ऑफ नंबर्स एंड सी विल स्टोर द काउंट ऑफ नंबर्स. मतलब आई हैव बीन, सपोज तुमको एक रेंज दिया गया है एम और एन. एम है मान लो 7 और एन है मान लो 70. 7 से 70 के बीच में हमको सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 को प्रिंट करना है. तो यहां पे जो लूप घूम रहा है वो x है. मींस x इज द लूप दैट विल रन फ्रॉम 7, 8, 9, 10 एंड वी विल मूव ऑन टू 70. करेक्ट. तो अब क्या यहां पे बोल रहे हैं? इफ x मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, दैट मींस इफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, इफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तब क्या करने बोल रहे हैं? s इक्वल टू s प्लस x, मींस s में ऐड कर देना. ये s में ऐड कर देना, यहां c लिख दिया. ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहां पे. पहली बार जब x का वैल्यू 7 है तो इज 7 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0? नो सर, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. तो क्या होगा? यहां तो घुसेगा नहीं, तो 7 खत्म हो गया. अब क्या गया? 8. 8 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0? ना सर, ये भी नहीं हुआ. 9 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0? ना सर, ये भी नहीं हुआ. किस में आके ये क्लिक करेगा? यहां पे. यस, 10 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मींस 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. जब 10 मल्टीपल ऑफ 5 मिल गया तो हम ये कंडीशंस को ट्रू करेंगे. ये कंडीशन क्या बोला? एस इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, मतलब इसके साथ प्लस 10 हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा प्लस 1, मतलब इसके साथ हो जाएगा प्लस 1. फिर 15 में आएगा तो इसके साथ ऐड होगा 15, इसके साथ फिर होगा प्लस 1. फिर 20 में आएगा, इसके साथ 20, इसके साथ प्लस 1, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. तो अल्टीमेटली सम में एस में क्या स्टोर हो रहा है? एस में ये नंबर स्टोर हो रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 30, ये एस में स्टोर हो रहा है. और सी में क्या स्टोर हो रहा है? प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, मतलब कितने बार लूप को रन करा रहे हैं ये सी में स्टोर हो गया. मीन्स वो काउंट किया, दैट इज कॉल्ड द काउंटर वेरिएबल. दिस इज द एक्यूमुलेटर वेरिएबल. एस इज द एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेट कर रहा है सारे नंबर को, सारे नंबर को अपने में स्टोर कर रहा है. और सी क्या कर रहा है? काउंटर वेरिएबल, वो काउंट कर रहा है कि कितने बार लूप को एग्जीक्यूट किया गया. ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो वही तो हम कर रहे हैं कि लास्ट में एवरेज प्रिंट करेगा, सम कितना सम हुआ बाय सी, कितने बार काउंट करके कितना सारा एलिमेंट हुआ. सो दिस इज हाउ माय एवरेज ऑफ अ नंबर इज बीइंग कैलकुलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां तक किए हुए थे, इसको रिपीट करते हैं. हाउ टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर. मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे प्रिंट करते हैं? सर बहुत इजी, सबसे पहले हमको नंबर इनपुट लेना है. तो चलो एक नंबर इनपुट लेते हैं. एन इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर अ नंबर. ओके, वंस वी हैव टेकन अ नंबर, नाउ व्हाट वी विल डू, देन वी विल स्टार्ट अ लूप फ्रॉम हियर. फॉर आई इन रेंज 1, 11. अच्छा, यहां पे हम कुछ ना देखे ऐसे ही कोलन दे दिए. सर ऐसा क्यों किए? बिकॉज आई टोल्ड ना कि इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 होता है. इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 होता है. अगर हम कुछ ना भी लिखे इंक्रीमेंट की जगह तो वह लूप बाय डिफॉल्ट 1, 1 करके बढ़ते रहेगा. ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा लास्ट. अब इसमें लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? प्रिंट ब्रैकेट एन कॉमा स्टार कॉमा आई कॉमा इक्वल्स टू कॉमा एन इंटू आई. दिस इज आवर प्रोग्राम. क्या हो रहा है सर, यहां एक्सप्लेन कीजिए. सबसे पहले एन इनपुट ए नंबर, चलो हम एक एन ले लिए, एन इज सपोज 7. फिर एक लूप घुमा रहे हैं आई फ्रॉम 1 to 11. एक्चुअली 1 to 11 नहीं जाएगा, जाएगा 1 से 10 तक. तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई विल बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट विल गो अप टू 10, क्योंकि 11 एक घर कम तक जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव रिटन? वी हैव रिटन प्रिंट एन. तो एन में क्या प्रिंट करेगा? एन तो फिक्स है 7, इट विल प्रिंट 7. कॉमा स्टार कॉमा आई, आई का वैल्यू कितना है? 1. कॉमा इक्वल्स टू कॉमा एन इंटू आई, तो 7 into 1 कितना होगा? 7. इट विल प्रिंट अ लाइन लाइक 7 into 1 इक्वल्स टू 7.
फिर घूम के आई का वैल्यू टू आ गया तो क्या प्रिंट करेगा एन, एन तो फिक्स्ड है, एन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सेवन की जगह लिखेगा सेवन कॉमा स्टार स्टार कॉमा आई, अभी आई का वैल्यू कितना है टू, तो इट विल प्रिंट टू कॉमा इक्वल्स टू, फिर यहां क्या लिखा एन इंटू आई मीन सेवन इंटू टू इट विल बी फोर्टीन, फिर लिखेगा सेवन इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड दिस विल गो ऑन। हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट। सो दिस इज हाउ द मल्टीप्लिकेशन टेबल कैन बी प्रिंट। तो आप यहां सभी में देख रहे हैं जो यहां पे सारे प्रोग्राम सबको यहां से मिल जाएंगे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोग्राम्स आर रन, कैसे इसका ड्राई रन हो रहा है, इसका क्या लॉजिक लग रहा है। ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल करने के पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डज अ फैक्टोरियल मींस। फैक्टोरियल मींस अ नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम वन टिल दैट गिवन नंबर, जो भी नंबर हम दिए हैं वन से लेके वहां तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द फैक्टोरियल। दैट इज सपोज हम तुमको दिए हैं फाइव का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू 120। अगर हम दिए तुमको सिक्स का फैक्टोरियल, मान लो थ्री का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। मतलब जो नंबर हम इनपुट देंगे वन से लेके टिल दैट नंबर हमको सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकालना है। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल। तो कैसे होगा लेट अस सी। तो यहां पे लिखेंगे n इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर अ नंबर, फिर यहां पे लिखेंगे f फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन, then I will write for, I am starting a loop, for I in range 1 comma n plus 1, I will within the indentation I will write f is equals to f into I, and finally I will print factorial is f. Okay? So this is my program. Sir, हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम में वेरी इजी, हम यहाँ पे तीन वेरिएबल है, यहाँ पे n है, f है और i है। तो यहाँ पे हम n ले लिए, f ले लिए, i ले लिए। चलो फॉर सेक हम n को लेते हैं सिक्स। f कहां से शुरू है सर? f वन से शुरू है। चलो f वन से शुरू कर दिया। और i का क्या? i तो लूप है, इट विल रन फ्रॉम वन टू n, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पे अगर कोई नंबर हम शुरू कर रहे थे, यहां पे देखो, यहां पे देखो, हम वो शुरू कर रहे थे s इक्वल टू जीरो c इक्वल टू जीरो से, तो आपने अचानक यहां f इक्वल टू वन क्यों लिया? हमारा यहां सम जीरो से शुरू था इसलिए जीरो प्लस वन वन हुआ, वन प्लस थ्री फोर हुआ। लेकिन अगर हम यहां f को जीरो से शुरू करते, जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो, अल्टीमेटली आंसर ही जीरो आ जाता। इसीलिए हम इसको f को 1 से शुरू किया कि 1 से वो इंक्रीमेंट होता है, 1 into 1 1, 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, so on. So अब क्या हो रहा है देखिए, यहां पे f, अब f में क्या होगा? ये लूप है, f is equals to f into i, मतलब f में i को इंटू करना। जब i का वैल्यू 1 है तो 1 into 1 होगा, जब इसका वैल्यू 2 है तो जिसका इतना आंसर आएगा उसके साथ into 2 होगा, जब i का वैल्यू 3 तो इसके साथ into 3 होगा, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। और ये सारे वैल्यूज को f में स्टोर कर रहे हैं। जैसे ये क्या कर रहा था, सम को एक्यूमुलेट कर रहा था, यहां हम प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, किसके अंदर? f के अंदर। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब 6 तक सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? देन वी विल प्रिंट द फैक्टोरियल एज f। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड फॉर अ नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। फैक्टर समझते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर जितने सारे नंबर से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 24, 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? सर 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और खुद 24 से होता है। तो हमको ऐसे प्रिंट करना कि कोई भी नंबर जितने सारे से मल्टीप्लाई, जितने सारे से डिवाइड हो सबको लिख दो। या फिर 100, 100 कितने से जाते हैं? सर 100 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 10 से जाता है, 20 से जाता है,
25 से जाता है, 50 से जाता है और खुद 100 से भी जाता है. तो वी हैव टू प्रिंट आवर आंसर्स लाइक दिस. हम जो नंबर देंगे उसके सारे फैक्टर्स को वो प्रिंट करेगा. लेकिन अगर हम एक प्राइम नंबर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 31 से 1 से जाता है और 31 से जाता है, ऐसा प्रिंट आना चाहिए हमको, लाइक दिस. ऐसे हमको आंसर्स चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, वी विल रूट द प्रोग्राम. सबसे पहले आई विल टेक अ नंबर एज इनपुट. सो आई विल टेक n इक्वल्स टू int इनपुट एंटर अ नंबर. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट अ लूप फॉर i इन रेंज 1, n+1. मतलब हमको 1 से लेके उस नंबर तक एक लूप चलाना है. और यहां पे क्या चेक करेंगे, वी विल चेक कि जो मेरा नंबर है वो मेरे i से डिवाइड होता है या नहीं है. ओके, हो गया सर. क्या किया देखो, यहां पे n लिए हैं और i लिए हैं. सपोज माय n इज 24, लूप कहां से रुकी है, फॉर i इन रेंज 1 से n प्लस 1. मीन्स माय लूप विल गो फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक कर जाएगा 24 तक. ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या लिखे, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0. मतलब ये 24 को अगर 1 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा. यस सर, 24 तो 1 से कट ही जाता है, एक्चुअली 1 से तो सारे नंबर कटते हैं. तो 24 से 1 कट रहा है, तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रिंट i. i मींस 1, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया. यहां पे उसके बाद क्या लिखे, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट, मींस सॉरी एंड इक्वल्स टू डबल कोट, ऐसे लिखे एंड ENDE, एंड इक्वल्स टू कोटेशन ओपन कोटेशन बंद. इसका मतलब होता है प्रिंट इन द सेम लाइन, जैसे स्लैश एंड करने से क्या होता है प्रिंट इन द नेक्स्ट लाइन. एंड इक्वल्स टू ऐसे लिखने से क्या होता है प्रिंट इन द सेम लाइन. तो वो क्या करेगा, सेम लाइन में प्रिंट करेगा. अगर हम ये एंड नहीं लिखते हैं तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रिंट करेगा. और हमने यहां एंड लिख दिया, मतलब ये एक ही लाइन में 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रिंट करेगा. सो दिस इज द वर्क ऑफ राइटिंग एंड इक्वल्स टू, जो भी हो. तो हम लोग का 1 प्रिंट हो गया. ओके, अब लूप फिर से घूम गया, लूप घूम के i का वैल्यू कितना हो गया 2. अब फिर से चेक कर रहे हैं इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, 24 क्या 2 से डिवाइड होगा, हां सर होगा, तो फिर से प्रिंट i, तो अब 2 प्रिंट हो गया. अब फिर से लूप घुमा, i का वैल्यू हो गया 3, 24 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, जी हां हो रहा है, तो फिर से प्रिंट कर देगा 3, एंड दिस विल गो ऑन. तो ये 3 भी प्रिंट करेगा, 4 भी प्रिंट करेगा, लेकिन 5 में जब आएगा, इज 24 डिविजिबल बाय 5, इज n मॉडुलस i इक्वल टू 0, ना सर 24 तो 5 से नहीं कटता, तो 5 को प्रिंट नहीं करेगा. फिर यहां 6 में आ जाएगा, इज 24 डिविजिबल बाय 6, यस, तो फिर 6 को फिर प्रिंट करेगा. यही तो है फैक्टर्स, जितनी बार वो नंबर डिवाइड हो हम उसको प्रिंट करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो तो प्रिंट नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट 6 क्वेश्चंस. Then moving on to the next ones. So we are back with a few fresh 6 sets of questions. The first question here, check whether number is prime number or not. तो एक तो आगे हमरे एक प्रोग्राम कर लाम, जेकने हमरे जो तो गुलो फैक्टर होय, सब फैक्टर गुलो प्रिंट कर लाम. जे 24 फैक्टर क्या है, 1 होय, 2 होय, 3 होय, 4 होय, 6 होय, 8 होय, सब गुलो प्रिंट कर लाम. 100 सब फैक्टर प्रिंट कर लाम. 31 फैक्टर क्या है, 2. अरे 8 है तो हिंट. আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি কি এনি প্রাইম নাম্বার হ্যাজ অনলি টু ফ্যাক্টরস, ওয়ান এন্ড ইটসেলফ, ওয়ান এন্ড ইটসেলফ. তো ইফ দ্য টোটাল নাম্বার অফ প্রাইমস অর দ্য টোটাল নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস ইকুয়ালস টু 2, দেন দ্য নাম্বার ইজ প্রাইম. 2 থেকে কম হলেও চলবে না, 2 থেকে বেশি হলেও চলবে না. দ্যাটস ওয়াই 1 ইজ নাইদার প্রাইম নর কম্পোজিট, কারণ 1 এর খালি একটাই ফ্যাক্টর হয় 1. দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নাইদার প্রাইম নর কম্পোজিট. লেকিন 2, 2 এর কত ফ্যাক্টর হয়, 1, 2, 2 ইজ এ প্রাইম নাম্বার. 10 এর কত ফ্যাক্টর হয়, 1 হয়, 2 হয়, 5 হয় আর 10 হয়, টোটাল 4টে ফ্যাক্টর হয়, সো দ্যাট ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার.
কিন্তু ইলেভেনের কটা ফ্যাক্টর হয়? ওয়ান আর ইলেভেন, ইট ইজ আ প্রাইম ফ্যাক্টর। সো উই উইল অড, সো উই উইল অ্যাড দ্য নাম্বার অফ ফ্যাক্টর্স। আগর নাম্বার অফ ফ্যাক্টর্স টু নিকলা ইট ইজ প্রাইম, আগর টু নহি নিকলা ইট ইজ নট প্রাইম। চলে ও প্রোগ্রাম করতে হ্যাঁ। ফার্স্ট অফ অল আই উইল টেক এ নাম্বার, এন ইজ ইকুয়ালস টু আই এন টি ইনপুট enter a number, yeah, count equals to 0 for I in range 0, so not 0 but 1 comma n plus 1. If n modulus I double equals to 0, then we will not print it, we will count cobar elo c is equals to c plus 1. বুঝতে পারলে কি করলাম আমি? ওখানে কি করেছিলাম, ওই নাম্বারগুলোকে প্রিন্ট করে দিয়েছিলাম। এখানে প্রিন্ট করব না, যতবার হবে c কে এক এক করে বাড়াতে থাকব। এবার লাস্ট আমি চেক করব, ইফ c ডাবল ইকুয়ালস টু 2, c যদি 2 হয় তাহলে কি প্রিন্ট করব? প্রিন্ট প্রাইম, else print not prime. Okay, so this is our program all about. So আমরা কি করেছি, suppose আমরা number নিয়েছি n, n তোমার ধরো না একবার 24, I তোমার কি হবে 1 হবে 2 হবে 3 হবে 4 হবে, এমনি 24 অবধি হবে। আর c করতে গিয়ে শুরু করেছি, c শুরু করেছি 0 থেকে, সব হচ্ছে গিয়ে 24/1, yes sir হচ্ছে, তো c equals to plus 1, আবার 24/2 আবার প্লাস 1, 24/3 আবার প্লাস 1, 24/4 আবার প্লাস 1, 24/5 হবে না একবার 26/1 আবার প্লাস 1। তো যদি সবগুলো অ্যাড করি আই উইল গেট এ নাম্বার উইচ ইজ মোর দেন 2, আই উইল গেট এ নাম্বার উইচ ইজ মোর দেন 2, হেন্স ইট ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার। লেকিন আগর ইয়ে 24 কে জায়গা আগর আমি ইয়াপে 23 লিখতে, দেন হোয়াট আই উইল গেট, ये n सिर्फ 23 से जाता, सिर्फ 1 से जाता और 23 से जाता, बीच में किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट प्लस 1 एंड प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर 23 विल बी प्रिंटेड एज अ प्राइम नंबर, व्हेयरएज 24 वोंट बी अ प्राइम नंबर। मींस नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया तो प्राइम, अगर 2 से ज्यादा या कम आया तो नॉट प्राइम। नेक्स्ट चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, वेदर अ नंबर इज परफेक्ट नंबर नॉट। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सारे फैक्टर्स को ऐड करो तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6, 6 का फैक्टर क्या है? सर 6 का फैक्टर है 1, 2 और 3, 6 को एलिमिनेट करके 1, 2 और 3, तो इसको ऐड करने में कितना आ रहा है सर? घूम के फिर 6 ही आ जाएगा, है ना। 28 का फैक्टर्स देखो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 17 होता है, 14, इसको ऐड करो घूम के 28 आ जाएगा। सो दिस इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इज सच अ नंबर जिसके सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। सो हाउ वी विल डू दिस, यहां पे क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐड कर रहे थे, यहां पे हम फैक्टर्स को ऐड नहीं करते, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कितने बार वो डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड होच्छे ना, दो बार डिवाइड होच्छे ना, तीन बार डिवाइड होच्छे, ওইটা ऐड করছিলাম। এখানে আমাকে ফ্যাক্টর গুলোকে ऐड করতে হবে। লেট আস সি হাউ, यहां n इज इक्वल्स टू int input enter a number, then I will write here sum equals to 0, फिर लूप शुरू करेंगे for I in range 1, n plus 1, अब यहां पे लूप का इंटरजेक्शन शुरू, if n modulus I double equals to 0 then sum is equals to sum plus I, यहां पे c equal to c plus 1 के जगह हम क्या लिखे, sum equal to sum plus i, मतलब जो नंबर से डिवाइड हो रहा है उस नंबर को ही हम ऐड कर दे।
Now at the end I will check if s double equals to n कि जो मेरा sum आया वो क्या n के बराबर है. If yes then print perfect number, else print not perfect. How these things are being executed? यहां पे हम क्या नंबर को काउंट कर रहे थे, मतलब सॉरी कितने बार वो नंबर आए, यहां हम उस नंबर को डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं. जैसे अगर मान लो s, ठीक है हम 6 से लें तो n यहां मेरा 6 हो गया और i क्या हो जाएगा, i 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा. यहां पे सॉरी यहां पे हम एक चीज गलत कर दिए, हम यहां पे 6 तक लूप घुमा है लेकिन यहां 6 तक नहीं होगा, 5 तक ही. तो यहां पे n प्लस 1 की जगह हम सिर्फ n तक लूप घुमाएंगे, 1 से n तक. मीन्स माई लूप विल रन फ्रॉम 1 टू 5, हम बोल ना 6 को एलिमिनेट कर देते हैं. तो यहां क्या होगा, एक बार 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, यस सर 1 से डिवाइड हो गया, तो क्या लिखें, s इक्वल्स टू s प्लस i, तो i का वैल्यू क्या 1, तो s के साथ हो गया 1. फिर 6 को 2 से करेंगे, हां सर, तो यहां प्लस 2. फिर 6 को 3 से करेंगे, हां सर, तो प्लस 3. 6 को 4 के ना 4 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसको प्लस नहीं करेंगे. फिर 6 को 5 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसको प्लस नहीं करेंगे. तो हमको सिर्फ क्या यू प्लस किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड कर कितना आ गया 6. सो लास्ट में s और n तो मैच कर गया, हेंस इट इज अ परफेक्ट नंबर. अगर मैच नहीं करता तो नॉट अ परफेक्ट नंबर. दिस इज हाउ माय परफेक्ट नंबर इज बीइंग कैलकुलेटेड. फिर हो गया प्रिंट द प्राइम नंबर्स बिटवीन अ रेंज. आपको एक रेंज दे दिया है और उसके बीच में जितने सारे प्राइम्स हैं आपको वो प्रिंट करना है. ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है. डू यू नो व्हाई? यहां पे दो बार फॉर लगेगा. एक बार फॉर लगेगा टू रन द लूप फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, क्योंकि रेंज बोला है हमको स्टार्ट और एंड में एक गो लूप चलाना है, और एक गो लूप चलाना है हमको प्राइम नंबर्स निकालने के. कैसे, लेट अस सी. इनपुट एंटर रेंज, देन आई विल राइट हियर फॉर, एक लूप चला रहे हैं फॉर एक्स इन रेंज एम कॉमा एन प्लस 1. ये हो गया मेरा रेंज, मतलब एक्स से एन तक जाएगा. नाउ व्हाट आई विल डू, हम यहां पे लिखेंगे पी इक्वल टू 0, देन अगेन एक लूप फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एक्स प्लस 1, मतलब जो नंबर लिए उसके एक्स तक जाएगा. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक इफ एक्स मॉडुलस आई डबल इक्वल्स टू 0, देन पी इक्वल्स टू पी प्लस 1. अब लास्ट में देखेंगे इफ पी डबल इक्वल्स टू 2, प्रिंट एक्स. ओके, हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट. चलिए यहां पे क्या हो रहा बताया जाए. चले एम और एन को रेंज लेना है, तो एम चलो मान लिया हो गया मेरा 10 और एन हो गया 100. तो हमको 10 से लेके 100 के बीच में सारे नंबर्स को हमको चेक करना कि वो प्राइम है या नहीं है. तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा एक बार 10, एक बार 11, एक बार 12, एक बार 13 और इस तरह करके 100 तक एक्स का ये रेंज घूमते रहेगा. एक्स तो एक बार एम से एन तक जाएगा. अब यहां पे हम क्या शुरू किए हैं, p इक्वल टू 0, तो सबसे पहले p क्या हो गया 0. अब यहां फिर से लूप शुरू किए हैं. लूप कहां से होगा, फॉर i, सॉरी ये i है, i होगा फ्रॉम 1 टू x प्लस 1, मतलब i जाएगा 1 से लेके 10 तक. अब एक काम क्या कर रहे हैं, इफ x मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, मतलब 10 से अगर 1 को डिवाइड करें तो वो डिवाइड होगा, हां, तो क्या कर रहे हैं, p इक्वल्स टू p प्लस 1, तो p के साथ प्लस 1. फिर 10 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, हां, तो फिर से प्लस 1. 10 को 3 के साथ ना, 10 को 4 के साथ ना, 10 को 5 के साथ यस, तो 5 के साथ देखो प्लस 1, और फिर लास्ट में 10 के साथ देखो प्लस 1. तो p का वैल्यू कितना आया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब p का वैल्यू आ गया 4.
लास्ट में चेक कर रहे हैं इफ पी इक्वल टू टू, पी का वैल्यू टू हुआ ना, सो ये प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन जब एक्स टेन हो गया, अब एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 11, ठीक है, तो पी फिर से जीरो से शुरू हुआ, देखो फिर ये फिर से लौट के गया यहां पे और पी फिर से शुरू हुआ जीरो से। नाउ आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके 11। आई विल चेक इफ 11 इज डिवाइडेड बाय 1, हाँ तो प्लस 1, 11 बाय 2 ना, 11 बाय 3 ना, 11 बाय 4 ना, सिर्फ फिर 11 जाएगा, फिर प्लस 1, तो p का वैल्यू कितना हो गया 2, जस्ट लाइक दिस प्राइम। तो अगर ये p का वैल्यू 2 है तो प्रिंट x, मतलब मेरा ये 11 प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये 10 से लेके 100 तक प्रत्येक नंबर को इस तरह एक एक करके चेक करेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर 2 है क्या, अगर 2 है तो उस नंबर को प्रिंट करेगा, अगर 2 नहीं है तो उस नंबर को प्रिंट नहीं करेगा, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स मतलब सपोज आई हैव बीन गिवन ए नंबर 146, तो 1 + 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 11, हमको दिया गया 152 और सपोज 452 और 352, तो 3 + 5 + 2 = 10, हमको ये काम करना, आई हैव टू एड द डिजिट्स, कैसे, फॉर दैट आई हैव टू टेक अ नंबर, और यहां से मेरा स्पेशल प्रोग्रामिंग शुरू हो जा रहा है, व्हाई, बिकॉज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाइल लूप हियर, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है वो कितना बड़ा है, 3 digit ना 4 digit ना 5 digit हमको नहीं मालूम। हम तुम लोग बोले थे ना कि फोर का यूज कब करेंगे, फोर का यूज तब करेंगे जब हमको स्टार्ट और एंड पता रहे कि यहां से स्टार्ट करना, यहां पे एंड करना, दैट इज फिक्स, दैट इज नोन टू अस। लेकिन व्हाइल तब यूज करेंगे जब द एंड और स्टार्ट हमको मालूम नहीं है, वो अपने आप डिसाइड करेगा कितने बार लूप को रन करना है, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज हियर व्हाइल। ओके ओके, माय प्रोग्राम इज रेडी, शॉर्टकट में ही हो गया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पे यार दो नंबर लेगा, सपोज n हम लिए हैं 146, यहां फिर क्या लिखे, s इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू जीरो, ओके। नाउ व्हाट वी हैव रिटन, व्हाइल n ग्रेटर देन जीरो, हां सर 146 इज ग्रेटर देन जीरो, अंदर घुसा, फिर क्या लिखा है, t इक्वल टू n मॉडुलस 10, मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर, अगर हम 146 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा सर 6, मतलब ये लास्ट का 6 उखड़ गया, इसको कहां पर ढुकाएं, s इक्वल टू s प्लस t, मतलब ये s के साथ मेरा 6 ऐड हो गया, करेक्ट। फिर क्या लिखें, n इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ n बाय 10, इंटीजर ऑफ n बाय 10 मतलब अगर हम 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माय आंसर विल बी 14.6, लेकिन हम इंटीजर लिखे हैं तो व्हाट इट विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट, मतलब ये डेसिमल पार्ट वो खा जाएगा, इट विल टेक ओनली डेसिमल पार्ट, सॉरी इंटीजर पार्ट, तो क्या होगा, माय n विल बिकम ओनली 14, मतलब 6 निकल गया तो 16 को खत्म, ओके। और ये यहां से यहां दोबारा लूप घूम, फिर चेक कर रहे हैं व्हाइल n ग्रेटर देन 0, 14 यस 14 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर अंदर घुसा, t इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, तो 14 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, रिमाइंडर विल बी 4, चेक करके देखो रिमाइंडर 4 है, तो नाउ क्या लिखे, s इक्वल्स टू s प्लस t, मींस इस 6 के साथ 4 भी ऐड हो, करेक्ट। फिर n इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ n बाय 10, अगर हम 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1.4, पर हमने यहां int लिखा है, int मींस इट विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट, सिर्फ 1 रह जाएगा और ये लूप घूम गया, नाउ माय n इज जस्ट 1, ओके, n इज ग्रेटर देन 0, हां सर n इज स्टिल ग्रेटर देन 0, अब क्या करेगा, t इक्वल टू n मॉडुलस 10, फिर से क्या करेगा, 1 को 10 से डिवाइड कर रहा है, अब इसका बोलो तो डिवीजन क्या होगा, इसका डिवीजन ऐसे होगा 10 1 0 0 1, मतलब इधर क्वोशेंट इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इस रिमाइंडर को इसे ऐड कर दिया गया, अब क्या लिखा है, इंट ऑफ n मॉडुलस n बाय 10, अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करते हैं माय आंसर विल बी इक्वल टू 0.1, ठीक, लेकिन हमको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, मतलब हमको सिर्फ ये 0 लेना, पॉइंट पार्ट को नहीं, मींस माय n इज नाउ इक्वल टू 0,
तो जब ये लूप घूम के गया वाइल एन ग्रेटर देन जीरो, एन क्या जीरो से ग्रेटर है ना, एन इक्वल टू जीरो, मतलब ये सीधे लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट द सम इज एस। तो सम कितना आया, 6 + 4 + 10, द सम आया 10, सॉरी 11, 11, तो 11 मेरा प्रिंट कर। तो यहां अब हम 3 नंबर कर दें, 4 नंबर कर दें, 5 नंबर कर दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मेरे नंबर कम होते जाएंगे मेरा उतना बार लूप घूमते जाएगा, जैसे सारे नंबर्स खत्म लूप भी बंद। हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि जो यूजर है वो 4 नंबर दिया है ना 6 नंबर दिया है ना 10 नंबर दिया ना 3 नंबर दिया या सिर्फ 1 नंबर दिया, ये जितनी वो जितना लंबा नंबर दे वो व्हाइल लूप ऑटोमेटिक उसको समझ लेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाइल लूप, यहां हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। सो ये हो गया। नेक्स्ट रिवर्स ऑफ ए नंबर, रिवर्स ऑफ ए नंबर मतलब नाम से पता चल रहा है, अगर हम देते हैं 146 तो हमको आंसर मिलेगा 641, अगर हम देते हैं 352 तो आंसर मिलेगा 253। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ ए नंबर, ये इसके जैसा ही है। कम ऑन देख लेते हैं कैसे होगा। सो माय प्रोग्राम इज रेडी, बोले सर ये दोनों तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, जरा सा चेंज है, देख लेते हैं कैसे। चलो यहां पे हम पहला नंबर n लेते हैं 146, ठीक, r इक्वल टू जीरो, r का वैल्यू जीरो ले लिया है। अब पहला n ग्रेटर देन जीरो, यस सर n इज ग्रेटर देन जीरो, तो t इक्वल टू n मॉडुलस 10, t कितना हो गया, यहां पे मेरा t हो गया r, r था जीरो, t हो गया मेरा पे 6, देन r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस टी, मीन्स 0 इंटू 10 प्लस 6 कितना होगा, ये तो 6 आएगा, 6 आ गया। उसके बाद क्या लिखे n डबल डिवाइड, सर ये डबल डिवाइड का क्या मीनिंग बोलते हैं, तुम लोग शायद याद नहीं है भूल गया है, इस डबल डिवाइड का मतलब है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मींस ये डिवाइड करके इट विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट, मतलब यही वाला काम, हम इतना बड़ा लिखे चाहे ये लिखे बात बराबर पड़ता है। तो यहां भी क्या करेगा, वो मेरे 6 को मतलब यहां से एलिमिनेट कर देगा, 14.6 से 14 ले लेगा, ठीक। नाउ द अगेन द लूप हैज बीन कंटिन्यू, फिर से n ग्रेटर देन 0, 14 तो ग्रेटर देन 0 है, नीचे आया इट इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो 14 को फिर से 10 से मॉडुलस करेंगे क्या आएगा, t मेरा आएगा यहां 4 आएगा। अब यहां पे क्या लिखा है, r इंटू 10 प्लस t, r इंटू 10, r कितना है 6 है, तो 6 इंटू 10 प्लस 4 कितना हो गया 64, देन n इक्वल टू n डबल फ्लोर मॉडुलस 10, फोर फ्लोर डिवीजन, तो क्या होगा यहां से 114 4 हट जाएगा, फिर रिपीट होके गया n ग्रेटर देन 0, यस सर n ग्रेटर देन 0, अब t इक्वल टू n मॉडुलस 10, t कितना हो गया, t हो गया 1, तो r कितना हो जाएगा, r इंटू 10 प्लस t में 64 इंटू 10 प्लस 1, आंसर कितना हो गया 641, घूम के गया, बट दिस टाइम n बिकम्स 0, खत्म है, अब तो n तो ग्रेटर देन 0 हो गया नहीं रहा, बाहर निकल जाएगा, प्रिंट द रिवर इज r, रिवर्स इज r, मींस मेरा 641 प्रिंट हो गया, हमने लिया था 146, हमको मिल गया 641, मींस ओनली दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन को याद रखो, r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस t, बाकी तो ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ माई रिवर्स ऑफ ए नंबर इज कैलकुलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सर पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर को अगर रिवर्स करेंगे घूम के वही नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 141, 141 का रिवर्स क्या होगा, 141 ही होगा, 3553 इसका रिवर्स कितना होगा, सर 3553 ही आएगा, मींस ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तुमको ये रिवर्स निकालना है, रिवर्स निकालने का उसको प्रिंट करने की जगह चेक करना है कि रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम है कि नहीं, अगर दोनों सेम है तो यस पैलिंड्रोम, अगर सेम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम प्रोग्राम। ओके सो वी हैव रिटन आवर प्रोग्राम। सो अगर आप ध्यान दें तो यहां तक ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सेम है। What we have done? We have calculated the r. R means the reverse of a number. अब last में आप सिर्फ check कर रहे हैं if r double equals to m. Sir ये m क्या है? यहाँ पे देखो m equals to n लिखे हैं।
सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, हमने यहां पे एन लिया था है ना, एन सबसे पहले था 146, फिर 6 गायब हो गया, एन हो गया 4, फिर 4 गायब हो गया, एन हो गया 1, फिर 1 गायब हो गया, एन हो गया 0। मतलब अल्टीमेटली हम जब भी एक नंबर का रिवर्स करेंगे जो ओरिजिनल नंबर है वो मेरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो गया लुक के बाहर आ जाए। तो मेरा जो एक्चुअल नंबर था 146 वो कहां गया, वो तो खो गया सर, वो तो गया एकदम मायर हो गए। तो हमको वो नंबर कहीं एक जगह पे टेम्पररी स्टोर करके रख देना। तो इसीलिए हम क्या किया, इस एन को एम में टेम्पररी स्टोर करके रख दिए कि भाई एम में भी 146 तब स्टोर होकर रह गया। तो इसलिए जैसे हम यहां एन इनपुट लिए, हमने यहां लिख दिया एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 146, मतलब एम में भी 146 स्टोर हो गया। एन तो अल्टीमेटली जीरो हो गया, एन तो जीरो हो गया, लेकिन एम तो 146 रह गया। अब लास्ट में हम चेक करेंगे कि आर और एम सेम है या नहीं। अगर R और M सेम हो गया तो यस दे आर पैलिंड्रोम, अगर नहीं तो दे आर नॉट पैलिंड्रोम। सो दिस इज हाउ माय पैलिंड्रोम वर्क्स। पैलिंड्रोम करने के तुमको सबसे पहले नंबर को रिवर्स करना है। वंस द नंबर इज रिवर्स देन यू विल चेक वेदर द रिवर्स नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। अगर दोनों नंबर ओरिजिनल हो गया सो यस दे आर पैलिंड्रोम, अगर नहीं हुआ दे आर नॉट पैलिंड्रोम। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट पैलिंड्रोम्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। वी आर बैक विथ 6 मोर प्रोग्राम्स। पहला प्रोग्राम चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब सर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मतलब जितने सारे डिजिट्स हैं अगर हम उसका क्यूब करें तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 153, मतलब क्या, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 153, अगेन वही नंबर आ गया। अरे जैसे हम लोग सम ऑफ डिजिट कर रहे थे, क्या करते, एक एक डिजिट का सम कर रहे थे पीछे से, यहां डिजिट को ना ऐड करके डिजिट के क्यूब को ऐड करो बस। मतलब जैसे हम लोग प्रोग्राम किए ना पहले सम ऑफ डिजिट्स, सम को डिजिट्स को डायरेक्टली ना ऐड करके डिजिट का क्यूब निकाल दो, हो गया काम। चलिए प्रोग्राम करते हैं। ओके, प्रोग्राम इज रेडी। तो यहां क्या करें, वही सेम काम किए हैं हमने, यहां पे n इक्वल टू n ग्रेटर देन 0 तक एक लूप घुमाना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 153, तो लूप में सबसे पहले 3 आएगा। यहां पे भी हम क्या किए, m इक्वल टू n कर दिए। व्हाट इज m इक्वल टू n का क्या हम बोले कि अल्टीमेटली ये n तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए m में हम टेम्परली n को स्टोर करके रख दिए। तो s में क्या स्टोर हो रहा है सर, t में सबसे पहले 3 आएगा और s में स्टोर होगा s प्लस t का क्यूब, मतलब s प्लस 3 का क्यूब। फिर जब ये 3 बाद तो n में आ जाए, t में आ जाएगा 5, तो इसमें हो जाएगा प्लस 5 का क्यूब। जब ये 5 बाद तो इसमें हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब, और अल्टीमेटली ये जब 0 हो जाएगा तो लूप के बाहर। So I am getting s as 3 cube plus 5 cube plus 1 cube, that is equals to 27 plus 125 plus 1, add करें देखो 153 आ। तो ultimately 153 और m तो match कर गया, तो I will get yes it is Armstrong, और अगर नहीं है तो it is not Armstrong। कृष्णमूर्ति नंबर इज सेम टू सेम एज आर्मस्ट्रॉन्ग, जरा सा डिफरेंस है।
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे प्रत्येक डिजिट का क्यूब कर रहे थे। कृष्णमूर्ति नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर बोथ आर सेम, कृष्णमूर्ति नंबर को स्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब प्रत्येक डिजिट का इंडिविजुअल हमको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 145 मींस 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, ऐड कर दो कितना आया 140। सो दिस इज हाउ माय कृष्णमूर्ति नंबर इज कैलकुलेटेड। तो यहां पे ये इसके जैसे ही होगा, सिर्फ अंतर क्या है, यहां पे हर डिजिट का हमको क्यूब नहीं निकालना है, हर डिजिट का हमको फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा, मतलब वाइल के अंदर एक फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, देखो कैसे करें। सो देखो ये दोनों प्रोग्राम बेसिकली सेम है, अंतर कहां पे आ रहा है, सर ये वाला। हम यहां पे लिखे एस इक्वल्स टू एस प्लस टी का क्यूब, हम यहां पे लिख रहे हैं एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ। अब ये एफ क्या आया, एफ सर यहां से यहां देखो एक नया पोर्शन लिखे, वो फैक्टोरियल टी, एफ इक्वल्स टू वन, टी इक्वल्स टू एन वन। अगर ये दोनों लाइन ऊपर नहीं चलेंगे तब आपको समझ आएगा, यहां पे टी इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10 और यहां पे एफ इक्वल्स टू 1। ये तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, मतलब f इक्वल टू 1 बोले ना, फैक्टर का मतलब 1 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे तो 0 इनटू एनीथिंग 0 हो जाएगा और ये 1 से लेके उस नंबर तक जाएगा और f इक्वल टू f इनटू i, मतलब यहां पे ना फैक्टोरियल निकल रहा हर बार। मींस अगर मेरा नंबर है यहां पे सपोज मान लो 145, तो सबसे पहले t कितना निकलेगा 5, मतलब ये लूप घूमेगा और मेरा लूप होगा 1 से लेके 5 तक। फिर जब मेरा t इक्वल टू हो जाएगा 4 तो मेरा लूप घूमेगा 1 से लेके 4 तक, फिर मेरा टी हो जाएगा 1 तो लूप मेरा घूमेगा आई 1 से लेके 1 तक। सो ये मेरा एक बार 1 से लेके 5 का लूप घुमा, एक बार 1 से लेके 4 का, एक बार 1 से लेके 1 का, मींस तीनों बार हमको सेपरेट फैक्टोरियल मिला एंड दैट फैक्टोरियल इज एडेड टू एस। अब लास्ट में हम चेक करेंगे इफ दिस एस इज डबल इक्वल्स टू एम, अगर ट्रू है तो प्रिंट यस और नहीं है तो प्रिंट नो। सो दिस इज हाउ माय कृष्णमूर्ति नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर इज बीइंग कैलकुलेटेड। कृष्णमूर्ति नंबर को हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर कह सकते हैं, करेक्ट? सो दीज आर बेसिकली सेम, जरा सा चेंज है सिर्फ इन दोनों में। ओके नाउ वी हैव टू प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। तुम लोग को याद करो हम एक क्वेश्चन करा थे ना, प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ 3-digit नंबर। हमको मालूम था कि 3 digit ही होगा तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 और एक बार डिवाइडेड बाय 10 करके मेरा झमेला खत्म कर दिया, क्योंकि एक बार वंस प्लेस आएगा और एक बार 100 प्लेस आएगा। लेकिन हमने यहां क्या किया ऑफ ए नंबर, हमको पता ही नहीं नंबर क्या है, आई डोंट नो द नंबर, वो 4 digit का है या 5 digit का है या 1 digit का है या 2 digit का है या 10 digit का, आई डोंट नो। हमको एक लूप घुमाना पड़ेगा और जब तक नंबर खत्म नहीं हो जाता तब तक लूप घुमाना पड़ेगा, मींस आई हैव टू यूज अ व्हाइल लूप। कंप्लीट? ये तो और आसान था सर। क्या किया यहां पे, आई हैव टेकन अ नंबर, सपोज आई एम टेकिंग नंबर एज 1024, दिस इज माय नंबर, एन इज इक्वल टू 1024। अब यहां पे क्या बोला गया, एल इक्वल टू एन मॉडुलस 10, तो एन तो यही है सर 1024, तो L कितना हो गया, L हो गया मेरा 4, मतलब 1024 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे आई विल गेट L as 4, लास्ट डिजिट मिल गया, 4 इज माय लास्ट डिजिट। अब क्या करना है, वाइल n ग्रेटर देन 0, यस सर L ग्रेटर देन 0। अब यहां के f इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, तो f मेरा क्या हो गया, f मेरा हो गया 4। अब क्या बोल रहे हैं, n इक्वल्स टू n फ्लोर डिवीजन 10, ये 10 देखो 0 लिखते हैं, फ्लोर डिवीजन 10, तो फ्लोर डिवीजन 10 में क्या होगा, ये मेरा एक 4 उठ जाएगा, सिर्फ 102 बच जाएगा। अब फिर से ये लूप घूम के गया यहां तक, एबर लूप पे की हो पे n ग्रेटर देन 0, यस सर n ग्रेटर देन 0, तो f इज अगेन n मॉडुलस 10, तो f क्या हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, n हो जाएगा मेरा 2, फिर फ्लोर डिवीजन ये मेरा सिर्फ 10 बच जाएगा, फिर घूम के गया 10 बाय 10, ये मेरा हो जाएगा 0, ये खत्म हो गया,
फिर n मॉडुलस 10 ये मेरा हो जाएगा f इक्वल्स टू 1, ये हो गया 0। फिर अब तो लूप नहीं घूमेगा बिकॉज n is not greater than 0, बाहर निकल गया। तो अब देखो मेरा n 1024 था, हमको लास्ट डिजिट ऑलरेडी हम पहले ही स्टोर करके रख दिए कि लास्ट डिजिट इज 4, हमको फर्स्ट डिजिट मिल गया एज f इक्वल्स टू 1। सो आई हैव गॉट माई फर्स्ट डिजिट एज 1 एंड लास्ट डिजिट एज 4, करेक्ट। नाउ आई हैव टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर, कि एक ही नंबर में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, ठीक है। चलिए हम यहां पे लिखते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन ए नंबर एज 3165, तो मेरा ये सबसे लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा 6 और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा 1। हमको ये प्रिंट करना कि लार्जेस्ट इज 6 एंड स्मॉलेस्ट इज 1, कैसे? सो स्टार्ट। ओके, सो माय प्रोग्राम इज रेडी नाउ। अब क्या कर रहे हैं, चलो देखा जाए। यहां पे n इक्वल टू 3165, n इक्वल टू 3165, करेक्ट। l इक्वल टू 0, हमने यहां पे लिया l इक्वल टू 0 और n इक्वल टू s इक्वल टू 9, मतलब मान के चलते हैं लार्जेस्ट इज 0 और स्मॉलेस्ट इज 9, जस्ट उल्टा यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 9 से बड़ा तो कोई डिजिट होता नहीं है और 0 से छोटा कोई डिजिट होता नहीं है। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा के चल रहे हैं कि लार्जेस्ट इज 0 और स्मॉलेस्ट इज 9, मतलब जो भी नंबर आएगा लार्जेस्ट में वो 0 से बड़ा होगा और जो भी नंबर आएगा स्मॉलेस्ट में वो 9 से छोटा होगा या फिर 9 के बराबर होगा, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, व्हाइल मतलब ये लूप घुमा रहे, एक एक करके नंबर उठाएगा। तो टी सौ बच्चा के की उठावे, टी सौ बच्चा उठा आगे उठावे 5, बुझते बैठे चो की लेके चेक एंड टाइम। इफ एल इज स्मॉलर देन टी, इज एल, एल मतलब कि 9, 9 इज स्मॉलर देन 5, 9 इज सॉरी भूल बोल छी एल 0 इज स्मॉलर देन 5, यस, তাহলে কি প্রিন্ট হবে, এল ইকুয়ালস টু টি, মানে 0 না হয় এখানটা হয়ে গেল তোমার 5। তারপরে কি আছে, এস ইজ গ্রেটার দেন টি, s আছে 9, 9 is greater than 5, yes, তো s equals to t, মানে s ও তোমার কত হয়ে গেল 5, এখন l ও 5, s ও 5, ঠিক। এবার তোমার এটা শেষ, এবার 316 হলে t ও তোমার কত হবে, t ও হবে 6। এবার চেক করবে l is less than t, l মানে কি 5, 5 is less than 6, yes, তো l তোমার হয়ে গেল তোমার এখানটাই 6, s is greater than t, 5 is greater than 6, না 5 তো t 6 থেকে ছোট, তো 5 কে কোনো চেঞ্জ করো না, 5 কে যেমন আছে তেমন থাকবে, ঠিক আছে। এবার আবার ঘুরে গেল, এবার তোমার এটা মিটে গেল, তোমার t কত হয়ে গেল, t তোমার হয়ে গেল এখানটায় 1। ইজ l লেস দ্যান t, 6 কি t থেকে ছোট, না t তো বড়, মানে l তো বড়, যাই কোনো চেঞ্জ হবে না। s ইজ গ্রেটার দ্যান t, s কি t থেকে বড় হ্যাঁ, s তোমার t থেকে বড়, তাহলে s ইকুয়ালস টু t, মানে 5 টা কেটে এখানটা হয়ে গেল 1, ঘুরে গেল। এবার তোমার লাস্টে 1 বেঁচে গেল, মানে t তোমার হয়ে গেল 3। এবার l ইজ গ্রেটার দ্যান t, 6 ইজ গ্রেটার দ্যান 3, না কিছু চেঞ্জ হবে না। s গ্রেটার দ্যান t, 1 ইজ গ্রেটার দ্যান 3, না কিছু চেঞ্জ হবে না, লুপটা ঘুরে গেল, n তোমার হয়ে গেল 0। এবার তো লুপের মধ্যেই আসবে না, সোজা বাইরে বেরিয়ে যাবে। তো আই হ্যাভ গট, দেখো এই 3165 থেকে 6 পেয়ে গেলাম আর 1 পেয়ে গেলাম, দ্য লার্জেস্ট নাম্বার ইজ 6, স্মলার নাম্বার ইজ 1, মানে কনসেপ্ট তোমাকে বোঝায়। সাপোজ তোমরা দুজনে গেলে, চলো হাম আর মেরে ওয়াইফ কা এক্সাম্পল লেতে, আমাকে মিষ্টি প্রচন্ড ভাল লাগে, প্রচন্ড মিষ্টি ভাল লাগে, মানে যদি 20 পিস মিষ্টি পেয়ে যাও সে খেয়ে যাও, ঠিক আছে। এনিওয়েজ তো আমাকে মিঠাই বহুত পছন্দ হয়, লেকিন ডক্টর বলতে কি ভাই ওজন বাড়না, মিঠাই কম খাও, ক্যা করে, ডক্টর নে আমাকে বলা কি এক সে জ্যাদা মিঠাই আপকো নেই খানা, না जा जा। चलिए डॉक्टर ने हमको बोला सिर्फ एक ही मिठाई खाना, तो हमको अगर हम कोई शादी बाड़ी या बीए बाड़ी में, तो सिर्फ एक ही मिठाई खाना है, डॉक्टर ने बोला कि भाई ज्यादा मिठाई मत खाइए आपका प्रॉब्लम होगा, मिठाई एक ही खाना है, तो बहुत मन को तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। मेरी वाइफ का ले लिया जाए, उसको मिठाई पसंद ही नहीं है, सी लाइक स्पाइसी एंड दैट हॉट थिंग्स, लेकिन उसको मीठा पसंद नहीं है,
लेकिन अब कहीं गए हैं तो वो आदमी लोग जीते भाई एक मिठाई तो खाके जाइए, अच्छा मतलब दिन में आए हैं मुख मिस्टी कोड़े जान, एक मिस्टी खान कम से कम एक मिस्टी खान। तो मेरे वाइफ को भी एक मिठाई खाने के लिए फोर्स किया जा रहा है और हमको इंसिस्ट किया गया कि हम एक से ज्यादा मिठाई ना खाएं। तो हम क्या कोशिश करेंगे, वो मिठाई स्टॉल में जाके जो सबसे बड़ा वाला मिठाई रहेगा वो हमको खाना है, और मेरी वाइफ जाके खोजेगी सबसे छोटा मिठाई कौन सा है उसको खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चलो बोफे सिस्टम, हम बोफे में हाथ में वो थाली लेके घूम रहे हैं, चलो हम सबसे पहले इस स्टॉल में आए, यहां पे देखे कि मिठाई मिल को दिख रहा है ये सबसे बड़ा मिठाई है, हम उसको अपने प्लेट में ले लेंगे। लेकिन जैसे थोड़ी देर दूर गए वहां देखे एक और मिठाई जो इससे भी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मिठाई को रख देंगे और वो वाला मिठाई को उठा लेंगे। तो ये भी वही कर रहा है, यहाँ पे लार्ज को हम जीरो से शुरू किए, मान लिया जीरो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे हम एक एक नंबर देख रहे हैं जैसे हमको जीरो से भी बड़ा कोई नंबर मिला हम जीरो को फेंक दिया वो नंबर को उठा लिए, फिर उससे भी कोई बड़ा नंबर मिला तो हम उसको फेंक दिया नए नंबर को उठा लिए, ये काम कर रहा है। और स्मॉल क्या कर रहा है, ये छोटा नंबर चेक कर रहा है, मान के चला नाइन इज द सबसे छोटा नंबर, अब नाइन से भी तो कोई ना कोई छोटा होगा, सबसे पहले फाइव मिला नाइन से छोटा वो फाइव को उठा लिया, कुछ देर बाद वन मिला तो जो फाइव से भी छोटा है तो फाइव को हटा के वन उठा लिया। सो दिस विल गो, सो दिस इज हाउ माई द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फ्रॉम ए नंबर कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इंटू बाइनरी एंड डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। सर इसको तो हम लोग मैथ्स में, हम लोग नंबर सिस्टम में किए हैं, बट हाउ टू ऑपरेट दिस ऑन अ प्रोग्राम, चलिए इसको देखते हैं। ओके This is my program. Program तो आपको कॉपी में लिखा हुआ है, प्रोग्राम देख के आपको फायदा नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए B, I have taken B as suppose 13. Correct. D equal to 0 and P is also equals to 0. While B greater than, while B नहीं, B होता है, while decimal is greater than 0. क्या खेल है मेरे साथ? ओके, डेसिमल एंड बाइनरी, डी बी एंड पी, डेसिमल बाइनरी एंड पी फॉर पावर, और यहां हमको लास्ट में प्रिंट करना है, प्रिंट बी बाइनरी, नाउ इट्स ओके। अब ठीक है, आई वाज बिस्ट कंफ्यूज, हाँ डोंट वरी। अब मेरे ये प्रोग्राम रेडी है, अब देखो क्या करें, डेसिमल ले लिया 13, बाइनरी फिलहाल जीरो है, पावर भी जीरो है, सबसे पहले वाइल डेसिमल ग्रेटर देन जीरो, यस डी इज ग्रेटर देन जीरो, अंदर घुसा टी इक्वल टू डी मॉडुलस टू, मतलब 13 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरा डेसिमल में टी निकलेगा 1, 1 इज द रिमाइंडर। अब इस 1 को क्या करना है, B is equals to binary is equals to binary plus, binary तो जीरो था कुछ है ही नहीं, T into 10 to the power P, मतलब 10 to the power P, P अभी कितना है 10 to the power 0, 10 to the power 0 मतलब कौन सा प्लेस होता है, ones प्लेस, मतलब ये 1 घुसेगा कहां पे, ones प्लेस पे। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लेते हैं ना, है ना, सो अगर 13 को डिवाइड करेंगे I will get 1101 means 1 नीचे से 1101, this is the ones place, this is the tens place, this is the hundreds place and this is the thousands place, मतलब वो अगर ones place है मतलब ये है 10 to the power 0, ये tens place ये 10 to the power 1, ये hundreds place ये 10 to the power 2 और ये thousands place ये 10 to the power 3, वही तो कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे, यहाँ t into 10 to the power p, p क्या है, p का वैल्यू सबसे पहले 0, means first time, जब पहली बार लूप घुमा तो 10 to the power 0, जैसे ये लूप घूम के जाएगा, जैसे ये लूप रिपीट कर रहा है, I have taken p equals to p plus 1, p equals to p plus 1 मतलब पहली बार हुआ p 10 to the power 0, अगली बार होगा 10 to the power 1, means ये जो रिमाइंडर आएगा वो 10 to the power 1 के साथ रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम घूमेगा तो p इक्वल्स टू हो जाएगा p प्लस 1, मतलब p 1 था 1 प्लस 1 2, मतलब अगली बार ये रहेगा 10 टू द पावर 2 के साथ, एंड सपोज सो ये पूरा नंबर मेरा ऐड हो गया किसके साथ, किसके पास रहा, b में, लास्ट में हम लोग प्रिंट कर दिया b इक्वल्स टू b इज द प्राइमरी, b इज द बाइनरी नंबर,
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द बाइनरी. मीन्स हम टू से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको नीचे से ऊपर लेते हैं. मैं जो सबसे पहले आया वो सबसे पीछे रहेगा और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले रहेगा. कैसे? जो सबसे पहले आया दैट विल हैव द एक्सट्रीम राइट, दैट इज एट द वंस पोजीशन, और फिर वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो दिस इज अवर कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डेसिमल इनटू बाइनरी. द सेम वे वी कैन अप्लाई डेसिमल इनटू ऑक्टल. खाली यहां टू से डिवाइड कीजिएगा, एट से डिवाइड कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन ये कंसेप्ट हेक्साडेसिमल के साथ नहीं है काम करता. व्हाई? क्योंकि हेक्साडेसिमल में यू नो हेक्साडेसिमल को हमको कैरेक्टर्स भी यूज करने पड़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ. तो ये कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, मतलब अगर जीरो से नाइन के बीच में रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां नाइन के ऊपर चला गया आई हैव टू चेंज द नंबर इनटू अ कैरेक्टर. कैसे करेंगे इसको देखो. ये प्रोग्राम करने के पहले जस्ट लेट मी टेल यू, आई हैव टोल्ड यू इन द नंबर सिस्टम चैप्टर कि ASCII बोल के कुछ होता है, ASCII वैल्यूज. याद है ना व्हाट इज ASCII? ASCII मतलब कंप्यूटर में जो भी कैरेक्टर है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. जैसे ASCII कैपिटल A का ASCII होता 65, कैपिटल B का ASCII 66, कैपिटल C का 67, एंड दिस ऑन गोज ऑन. स्मॉल ए मतलब लोअर केस ए का है 97, लोअर केस बी का 98, लोअर केस सी का 99, एंड सो ऑन. सिमिलरली जो 1 2 3 वो लिखते हैं 0 1 2 3, 0 का है 48, 1 का है 49, 2 का है 50, ऐसे गोज ऑन. सो ये हम लिख देते हैं पहले, कैपिटल ए से कैपिटल जेड ये है 65 to 90, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड ये है 97 to 122, 0 से 9 ये है 48 to 57. ये है मेरा ASCII कोड. हम क्या करेंगे, ये तो कैरेक्टर ले रहा है मतलब नंबर से काम नहीं होगा, आई हैव टू चेंज इट इनटू एन ASCII कोड. इसीलिए यहां पे ये लफड़ा लगा हुआ. चलिए यहां पे देखते हैं. सर ये तो सेम इसी जैसा है, खाली यहां पे चेंज क्या है, ये जैसे टी उठाएगा, जैसे रिमाइंडर उठाया, चेक करेंगे इफ द रिमाइंडर इज लेस देन 0 और नॉट, सॉरी लेस देन 10 और नॉट. अगर 10 से कम है तो टी इक्वल टू टी प्लस 48. टी प्लस 48 मतलब ये वाला काम करेगा, उसको नंबर में रखेगा. और अगर इससे ज्यादा है तो टी इक्वल टी प्लस 55 मतलब ये कैपिटल. अगर मान लो मेरा नंबर आया, मेरा डेसिमल आया ये टी इक्वल टू 11, ठीक है, तो किसमें आएगा, इसमें आएगा, टी लेस देन 10 नहीं है, टी यहां टी इक्वल टू टी प्लस 55, तो 55 प्लस तो क्या होगा, इसके साथ 55 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66. तो 55 प्लस 66 कितना होता है, ऐसा 55 प्लस 11 कितना, 66. 66 मीन्स कैपिटल बी, 65 मीन्स कैपिटल ए. तो अब हमको क्या करना है, इस ASCII को कैरेक्टर में चेंज करना है. उसके लिए आई यूज दिस कमांड CHR कैरेक्टर. I am converting this T into character, उसको H के साथ जोड़ दे. तो जब अगर मान लो कभी मेरे T आए 7, 9 और T आया 10. चलो मान लो ये T मेरा तीन बार था, एक बार 7, एक बार 11, एक बार 9, एक बार 10. तो अगर 7 आया तो it is less than 10, तो कितना आएगा, 7 plus 48 that is equals to 55. देखो तो 55 किस में आ रहा है, अगर 0 मतलब 48 होता है तो 0 मतलब 48, फिर 1 मतलब 49, 2 मतलब 50, 3 मतलब 51, 4 मतलब 52, 5 मतलब 53, 6 मतलब 55, 7 मतलब 6 मतलब 54, 7 मतलब 55. मतलब ये 50 आया वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, 55 रिप्रेजेंट करता है 7, मतलब 7 को 7 ही रखेगा. CHR करने पे 55 को CHR इज 7. लेकिन जब मेरा T 11 आया तो T प्लस 55 करने बोला है, T प्लस 55 कितना हो जाएगा 66, तो 66 को रिप्रेजेंट करता है 66B. फिर 9 आया तो 9 प्लस 48 कितना हो जाएगा, इट विल बी 57, दैट इज इक्वल टू 9. ये तो 9 ही रह गया, इसके प्रॉब्लम नहीं है. अगर 10 आया
तो 10 के साथ ऐड होगा 55, इट विल बी 65, 65 इज ए। तो हमको क्या मिला, 7B9A, हमको ये मिला आंसर 7B9A। ये है मेरा हेक्साडेसिमल ऑफ अ नंबर, आया समझ में? और सर आप तो उल्टा लेते थे, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये तो ऐसे नहीं ए पहले आएगा 9 बाद में, मतलब ऐसे आएगा ए 9B7। तो इसके लिए क्या लिखे हैं, CHR को पहले लिखे हैं और H को बाद में, मतलब पहले का जो हेक्स है वो पीछे चला जाएगा और नया नंबर सामने आ जाएगा, मतलब सबसे पहले 7 आया तो 7 चला जाएगा पीछे, सबसे लास्ट में A आया तो A आ जाएगा सामने, इसीलिए H को आगे लिखने से उल्टा हो जाता, हमने CHR को पहले लिखा और H को बाद में, इससे क्या होता था कि पीछे जो नंबर सबसे पहले आया वो लास्ट में जाएगा और जो नंबर सबसे लास्ट में आया वो पहले आ जाएगा। So this is how I have converted my decimal into hexadecimal. Correct? अगर तुमको मान लो यही concept लगा के अगर बोले सर binary को decimal में change करने, binary को decimal में कैसे change करते थे सर, उसका one stage tens hundred उसको extract करते थे पीछे से और उसको into करते थे 2 to the power n, मतलब यहां हम 2 से divide करने की जगह 10 से divide करेंगे और यहां 10 से multiply की जगह 2 से multiply करेंगे, मतलब अगर यही नंबर को करने बोले तो हम यहां पे अगर ये डेसिमल के बाइनरी अगर उल्टा बोल दे ऐसे उल्टा, तो यहां लिखेंगे टी इक्वल्स टू डी मॉडुलस 10 और यहां पे लिखेंगे टी इंटू 2 to the power p और यहां पे टी इज इक्वल्स टू डी होल डिवाइडेड बाई, मतलब फ्लोर डिवीजन, बस ये तीनों लाइन चेंज कर देंगे, एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका, मेरा ऑटोमेटिक ये बाइनरी टू डेसिमल। अगर डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में 10 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, आया समझ में? चलिए आज का क्लास यहीं तक के लिए बंद करते हैं, ठीक है? हमने बहुत सारा प्रोग्राम देखा ऑन लूप्स, बहुत सारे प्रोग्राम देखे ऑन व्हाइल फॉर कैसे किया जाता है और ये लूप को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? सो ऐसे और भी बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, आपको तो बहुत सारा प्रोग्राम सेंड किए ही है, इसके बाद और सारे प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे। सो टिल देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये सारे प्रोग्राम्स को आप लोग एक बार देखिए, अगर घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप की सुविधा है, अगर घर में पीसी है तो इसको एक बार रन करा लीजिए, देख लीजिए कि सही में ये कैसे ऑपरेट करता है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।